मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ऑफिशियल स्पेशल में। मेरा नाम है संजय। अभी जो स्टार्टिंग में जो फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो देखा आप लोगों के सामने, अभी फुल स्टेप में एडिटिंग करके दिखाऊंगी, तो वीडियो पे जुड़े रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो का जो मटेरियल यूज़ करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, हम तो क्राइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लें। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट न्यू, दिख रहा है क्रिएट न्यू को टैप कर देना है। इसे टैप करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, 916 को सिलेक्ट कर लेना है। इसे 916 को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोनर पे दिख रहा है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी एक फोटो कुछ भी एक शॉट सिलेक्ट करके फोटो को ऐसे बढ़ा लेना है। इसे इस टाइम लाइन को बढ़ा लेना है। इसे टाइम लाइन को बढ़ाने के बाद फर्स्ट पार्ट में आ जाना है। फर्स्ट पार्ट में आने के बाद इसको क्या करना है, लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना है, ठीक है। तो मीडिया पे आने के बाद इसको क्या करना है, एक वीडियो ले लेना है, एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। फुल स्क्रीन पे करके इसको क्या करना है दोस्तों, इसको नीचे आके ब्लेंडिंग मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग में आके स्किन कर देना है, ठीक है। स्किन करने के बाद इसको क्या करना है दोस्तों, ऐसे रहने देना। उसके बाद क्या करना है, इसको नीचे वाले जो वीडियो है फोटो है उस फोटो में टैप करना। फोटो में टैप कर नीचे आ जाना, विगनेट मिल जाएगा, तो विगनेट में टैप कर देना है। ऐसे विगनेट में टैप करने के बाद इसको क्या करना है, उसके बाद ऊपर आना है, एडजस्टमेंट मिल जाएगा, तो एडजस्टमेंट पे आके इसको ब्राइटनेस को थोड़ी सी कमी लेनी है, ठीक है। ब्राइटनेस को ऐसे कमी लेनी है, 15 पे रख देना। उसके बाद इसको कंट्रास्ट को थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, इसको 15 कर देनी है। कंटेस्ट को 15 करने के बाद इसको सिचुएशन को भी 15 कर देना है। सिचुएशन को 15 करने के बाद इसको क्या करना है, नीचे आने के बाद इसको नीचे नहीं करना, निकल जाना है। ऐसे निकल जाने के बाद इसको फिर से लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आके क्या करना है, और एक वीडियो दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। जो जो मैं मटेरियल यूज़ करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एक वीडियो ले लेना, ले लेता हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो को क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। फुल स्क्रीन पे करके इसको क्या करना, नीचे आ जाना है। नीचे आके ब्लेंडिंग मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग पे आके स्किन कर देना है। स्किन करके इसको ऑडियो ऊपर जाके स्पीकर पे आके ऑडियो को अप कर देना है। ऑडियो को अप करने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे रहने देना। उसके बाद क्या करना है, फिर से लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आके एक सॉन्ग को ले लेना है। इस सॉन्ग को क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ब्लेंडिंग मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग पे आके स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद इसको क्या करना है, आगे आना है थोड़ी सी। इसे आगे आने के बाद इसको क्या करना है, सॉन्ग को ऊपर के ले जाना है, ठीक है। ऐसे रहने देना। ऐसे रहने के बाद इसको क्या करना है, सॉन्ग को टैप करके इसे थ्री डॉट कॉर्नर पे देख रहा है, थ्री डॉट में क्लिक कर देना है। थ्री डॉट में क्लिक करके इसे डुप्लीकेट क्लियर मिल जाएगा, तो डुप्लीकेट क्लियर पे कर देना है। डुप्लीकेट क्लियर करने के बाद इसको क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है, खींच के इसे नीचे लेके आना। इसके थोड़ी सी आगे आना, ऐसे आगे आके क्या करना है, थोड़ी सी और नीचे सेट कर देना है। ऐसे सेट करने के बाद इसको क्या करना है, सॉन्ग जितना है उतना तक इमेज रखना। इसको क्या करना है, इसको ऐसे रख देना। उसके बाद इस जो वीडियो देख रहा है इसको कैंची से काट कर लेना। कैंची मिल जाएगा तो इसको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसको राइट करने के बाद इसको क्या करना है, इस जो वीडियो देख रहा है इसको जो लास्ट पार्ट में इसको रहने दें। इसको क्या करना है, थ्री डॉट मिल जाएगा, तो थ्री डॉट में आके डुप्लीकेट लेयर पे कर देना है। डुप्लीकेट लेयर पे करने के बाद इसे क्या करना है, इस वीडियो को टैप करना है। टैप करने के बाद इसे खींच के लेके आना है, ऐसे रहने देना। उसके बाद क्या करना है, इस वीडियो में क्लिक करके ऐसे आ जाना है। आगे आने के बाद फिर से थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री डॉट में आके डुप्लीकेट लेयर पे कर देना। डुप्लीकेट लेयर पे करने के बाद इसे क्या करना है, फिर से वीडियो को खींच के लेके आना है साइड पे। इसके बाद क्या करना है, वीडियो एंड तक आ जाना है। एंड तक आके वीडियो को क्लिक करना है, कैंची मिल जाएगा, तो कैंची से आकर ट्रिम टू राइट कर देना है। इसको राइट करने के बाद इसे क्या करना है, फिर से फर्स्ट पार्ट में आ जाना है। फर्स्ट पार्ट में आने के बाद इसे क्या करना है, लेयर मिल जाएगा, तो लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आके क्या करना है, कलर इमेज मिल जाएगा, तो ब्लैक कलर इमेज ले लेना है। इस ब्लैक कलर इमेज सिलेक्ट कर लेना। ब्लैक कलर इमेज को सिलेक्ट करना है, इसे फुल स्क्रीन पे कर देना है। ऐसे फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसको क्या करना है, इसको बढ़ा लेना है। ऐसे
ऐसे बारह लेने के बाद इसको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आ जाना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है, ब्लाइंडिंग पे स्किन पे कर देना है। स्क्रीन पे करने के बाद इसको क्या करना है, फोटो में क्लिक कर देना। फोटो में क्लिक करने के बाद इसको एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, ऑल पे सेट कर देना है। ऐसे ऑल पे सेट करने के बाद इसको क्या करना है, निकल जाना है। निकल जाने के बाद इसको क्या करना है, तो एक्सपोर्ट में क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट में क्लिक करना है, फ्रेजर को हाई करके रखना और इसको 60 कर देना। 60 करके इसको हाई पे रखना है, इसको सेव वीडियो क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय अभी के लिए।